हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात करें आपके घुटने का दर्द, यानी आपके घुटने में होने वाला घिसाव। यहाँ पर कई लोगों के कमेंट्स होते हैं, सर मैंने ऑर्थोपेडिसिन को दिखाया था, उन्होंने मेरे को दवाई लिखी है, मैंने एक्सरसाइज करी है, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं मिल पाया। फ्रेंड, उसका एक महत्वपूर्ण रीज़न होता है कि जैसे कि आप ऑर्थोपेडिसिन को दिखाते हो, वो आपको दवाई लिख दे, उसके बाद में आपके ऑर्थोपेडिक आपको सजेस्ट करते हैं मैं आपको एक्सरसाइज सीखे। अब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, आप वो एक्सरसाइज सीखते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज सही तरीके से परफॉर्म नहीं करने की वजह से आपको जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि आपका प्रिकॉशन, यानी जो आपको सावधानी बताए उस सावधानी को फॉलो नहीं कर पाते। क्योंकि फ्रेंड, कई ग्रामीण लोग होते हैं जो चाहते हैं कि यार मैं 50 यानी 50 प्लस होने के बावजूद भी पहले जैसा हो जाऊँ, यानी आराम से कूदूँ, जंपू, रनिंग करूँ, इस तरह से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रिकॉशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड, यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर रूप से सही तरीके से आपको एक्सरसाइज सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप जो आपके जॉइंट है उन जॉइंट में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिले। और यहाँ पर हम दो तरह से एक्सरसाइज देखेंगे, एक तो देखेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और देखेंगे एक स्टैंडिंग एक्सरसाइज। अब यहाँ पर ये कितने सेट में करनी चाहिए, किस किस तरह से आपको परफॉर्म करनी चाहिए, एक्सरसाइज कब आपको करनी चाहिए, उसके अलावा आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे आपके घुटने को मजबूत बनाया जा सके, आपके जो ऑर्थोराइटिस यानी घुटने का घिसाव उसे कम किया जा सके और आपको काफ़ी हेल्दी लाइफ जी सके। फ्रेंड, एक्सरसाइज को सीखने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि आपको एक तो एक्सरसाइज सही तरीके से परफॉर्म करनी चाहिए, उसके अलावा आपको जो रिपीटेशन बताया उसी रिपीटेशन में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो आपको सेकंड काउंट किए जा रहे हैं उसी हिसाब से आपको काउंट करना चाहिए, उसके अलावा प्रॉपर रूप से आपको प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रिजल्ट लोगे और यहाँ पर आप कुछ ही दिनों में आप अपने घुटने को पहले से काफ़ी अच्छा मजबूत पाएंगे। अब यहाँ हम दो तरह से एक्सरसाइज करेंगे, एक तो हमारी रहेगी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और दूसरी रहेगी हमारी स्टैंडिंग एक्सरसाइज। शुरू करते हैं फ्रेंड हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से पहले मैं बता दूं, जैसे ये हमारी काप मसल, ये हैमस्ट्रिंग मसल है, क्वाड्रिसेप्स मतलब ग्लूटियल मसल है। जब आप दर्द बनता है तो आप क्या थोड़ा सा शिफ्टिंग करने की कोशिश करते हो, बहुत सी बार यहाँ पर TFL मसल होती है वो टाइट पड़ जाती है, बहुत सी बार काफ के मसल टाइट पड़ जाती है, कुछ बार ग्लूटियल मसल टाइट पड़ जाती है। और यहाँ तक इवन आप देखते हो तो इस तरह से आपका पैर भी उठा हुआ रहता है, यानी इस तरह से आपका पूरा जो हम काउच है, काउच को टच होना चाहिए वो टच नहीं हो पाता, तो वहाँ पर FFD बन जाती है, जिसकी वजह से जैसे क्वाड्रिसेप्स लोड होना ज़्यादा हो जाता है, काफ हो सकता है, ग्लूटियल मसल पर भी हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूरी है, जो आपके कम से कम जैसे कि 5 दिन 7 दिन आप सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, उसके बाद में आपको स्टैंडिंग एक्सरसाइज करनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें काप मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब काप मसल का आप आराम से टॉवल ले लीजिए, आपके फुट पर रखिए और जितना हो सके उसके अंदर को फ्रेश करिए। ये स्ट्रेच आपके 15 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड तक होना चाहिए, इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। अब पूरा हमारा काफ मसल स्ट्रेच, किसी को बैक प्रॉब्लम है तो आराम से इसे लेट के भी कर सकता है, जैसे कि आराम से लेट के, ये मेरा थोड़ा छोटा है तो आराम से आप बड़ा सा टॉवल ले लीजिए तो आराम से लेट के भी आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये हमारी हो जाती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके बाद यहाँ पर आपको करनी है हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आप आराम से घुटने को मोड़ें और यहाँ से आप थाई के नीचे से होल्ड कर लीजिए और पैर को बिल्कुल सीधा करें, उसके बाद में हमारे फुट को अंदर की ओर स्ट्रेच करें, तो आप देखेंगे जो आपके थाई मसल पर वो प्रॉपर रूप से बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। अभी आपको 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आपका स्ट्रेच रहेगा। इसके बाद में आप चाहें तो इसको इस तरह से जितना हो सके उतना स्ट्रेच कर लीजिए, उसके बाद में टॉवल का सहारा लेकर तो इस तरह से भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। आप चाहे तो घुटना बेंड कर लीजिए, चाहे तो पैर को सीधा रखें, तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रेच होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड आपको उल्टा लेटना है। उल्टा लेटकर आपको इस तरह से हो सके तो, अगर आपको कोई दिक्कत चाहिए तो आप पैर को पीछे की ओर खींचे तो इसमें आपके क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेच आएगा। अब कुछ लोगों को यहाँ पर जैसे कि घुटना खींचने से घुटने को काफ़ी ज़्यादा दर्द बनता है, तो आप क्या करेंगे, अपने थाई के नीचे तकिया रखिए, उसे जितना हो सके उतना अपने आप से स्ट्रेच करने की कोशिश करें बिना पेन के। इस तरह से आपको 15 सेकंड लेकर 30 सेकंड तक स्ट्रेच रहेगा। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे की जाती है हमारी ग्लूटियल मसल की स्ट्रेचिंग। ग्लूटियल मसल को स्ट्रेच करने के जैसे इसमें आपको ग्लूटियल पे आपको स्ट्रेच करना है, तो इस पैर को आप क्या करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, इस पैर को इस पर रख लीजिए और हमारे हाथों को थाई के नीचे ले जाकर इसको आप स्ट्रेच खींचने की कोशिश करें। ये भी आपका 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड स्ट्रेच देगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ग्लूटियल रीजन है वो प्रॉपर रूप से स्ट्रेच हो रहा है। अब फ्रेंड यहाँ पर सवाल बनता है कि ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मुझे कितनी बार करनी चाहिए, तो फ्रेंड यहाँ पर ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे आप 5 बार,
यानी हर सेट को आप 5 बार बाद आपको स्ट्रेच करना है, और ये एक्सरसाइज आपकी सुबह, दोपहर और शाम, यानी दिन में कम से कम 3 बार स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे आप जो टाइट मसल्स हैं, जो मसल इम्बेलेंस हो रही है किसी की टाइटनेस है, किसी की कोई लेंथ नहीं रहती, कोई शॉर्ट नहीं रहती, उसको आप प्रॉपर रूप से मेंटेन कर पाए। फ्रेंड, इन एक्सरसाइज को कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करूँ भाई, आप उठे उसके बाद में आप जैसे दीवार पर चले जाए, वहाँ से फिर यहाँ पर आए, इसलिए मैंने कोशिश करी भाई आप बेड पर ही आपकी सारी एक्सरसाइज कर पाए। नहीं तो इसके काफ़ी वेरिएशन है, या आप इसे दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, इसको खड़े रह के भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप बार बार इधर से उठें, उधर से वापस इधर आएँ, तो इसलिए आपको प्रॉपर रूप से यह एक जगह बैठ के आराम से कर सकते हैं। अब फ्रेंड, हम करेंगे यहाँ पर स्टैंडिंग एक्सरसाइज, तो आप कोई सा भी टॉवल का इस तरह से मोटा रोल बना लीजिए। मोटा रोल बनाने के बाद में क्या करना है आपको, इसके अपने रखना है घुटने के नीचे। अब इस घुटने को फ्रेश करना है, फ्रेश करने के बाद में ये घुटना आपको इस तरह से उठना चाहिए और पंजे को आपको स्ट्रेच होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में आप 1 kg का वेट ले लीजिए, जिससे आपके बहुत अच्छी आपकी स्टैंडिंग सही होगी। अब आप इसको दबाएं, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, पंजे को अंदर की ओर खींचें, तो ये आपका प्रॉपर रूप से जो स्ट्रेच आना चाहिए वो आपका पूरी थाई मसल्स के अंदर आना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उसको उठा तो लेते हैं लेकिन वो थोड़ा सा इस तरह से रहने देते, यानी FFD वाली पोजिशन, तो वहाँ पर वो जो हमारी VOMU मसल है वो प्रॉपर रूप से स्टैंड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से भी वहाँ पर आपका पेन का बना हुआ रह जाता है। अब आप किस तरह से दबाएंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, और जो आपके सेकंड काउंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1, 2, 3, 4, इस तरह से आपका स्लो स्लो आपका काउंट होना चाहिए, जो कि रहेगा 10 तक, यानी 1 to 10, देन उसके बाद में आप रिलैक्स कर लीजिए, फिर से आप रिलैक्स करने के बाद में फिर से 1 to 10 काउंट करें, फिर से आप रिलैक्स करें, तो ये आपको करना है 10 सेकंड होल्ड 10 टाइम। इसी के बाद फ्रेंड क्या करेंगे, जो हमारा जो टॉवल है उस टॉवल को आपको रखना है एंकल के नीचे। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि आपका जो पैर इससे टच होना चाहिए वो टच नहीं हो पाता, तो इस तरह से यहाँ पर उठा हुआ रहता है, तो यहाँ पर सबसे पहले पंजा अंदर खींच के रखें और इसको दबाएँ और ढीला छोड़ें, ताकि जो थोड़ी सी टाइटनेस है वो कम हो जाए। दबाएँ, ढीला छोड़ें, ऐसे 20 से 30 बार कर लीजिए। उसके बाद में आपको स्टैंडिंग एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर रूप से अंदर खींचें और इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड नीचे दबा के रखें, काउंटिंग वही रहेगी 1, 2, इस तरह से आपको स्लोली स्लोली 10 सेकंड तक काउंट करना है, और ये करना है आपको 10 टाइम, यानी 10 सेकंड काउंट किया देन रिलैक्स, फिर से 10 सेकंड काउंट किया रिलैक्स, और ये आपको करना है 10 सेकंड होल्ड 10 टाइम। इसमें हमारी जो स्टैंडिंग मसल है वो स्ट्रेंथ होती है, और साथ में जो हमारी हैमस्ट्रिंग की जो टाइटनेस है वो भी रिड्यूस होती है, जिससे आपका जो घुटना नीचे नहीं अड़ पाता वो आपका अड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड, किन लोगों को जैसे कि हाइपर एक्सटेंशन वाली समस्याएं, यानी यह पैर नीचे की ओर ज़्यादा जाता है, तो वो लोग इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। देन फ्रेंड, इसके बाद में आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि आप लेट जाएं, लेटने के बाद में 45 एक घुटने को बेंड कर लीजिए, 45 डिग्री, पंजा अंदर खींचाओ, इस तरह से नहीं रोकना, बिल्कुल जितना हो सके उतना सीधा करिए, ताकि आपका पूरा जो हमारी क्वाड्रिसेप्स है मसल है इसमें प्रॉपर रूप से स्ट्रेंथ हो। इसको करना है 10 सेकंड होल्ड, खींचाओ पूरा 1, 2, इस तरह से यहाँ पर भी 10 सेकंड होल्ड 10 टाइम। इसके बाद में फ्रेंड उल्टा लेट कर आपको चलानी होती है साइकिल, तो इस तरह से जितना हो सके आप उतना साइकिल चलाएं। अब कुछ लोग इसे जल्दी जल्दी चलाएं तो आराम से जल्दी जल्दी भी चला सकते हैं, कुछ इसको प्रॉपर रूप से जैसे खींच के रखें होल्ड करने को, सीखे होल्ड कर लीजिए वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिदम में कि आपकी क्वाड्रिसेप मसल पे आपका स्ट्रेच आना चाहिए, तो इससे हमारा क्या होता है जो जॉइंट की स्टिफनेस है वो भी ख़त्म होती है, और जो आपका जॉइंट की क्लियरेंस होता है वो भी क्लियर हो जाता है। इस तरह से आप साइकिल चलाएं, पूरा रूप से स्ट्रेच करने की कोशिश करें इस तरह से। उसके बाद में फ्रेंड आप काउच के एंड पे चले जाएं और पैर सीधा करें, घुटना ये पंजा मत अंदर खींच के रखें, और जितना हो सके पूरा यहाँ पर स्ट्रेच आना चाहिए, ये भी आपको 10 सेकंड होल्ड करना है 1, 2, इस तरह से 10 सेकंड होल्ड करना है, और ये भी करना है आपको 10 टाइम। फ्रेंड, ये तो मैंने आपको बताया एक्सरसाइज, अब बात करें जिसके प्रिकॉशन, यानी कौन कौन से आपको सावधानी रखनी चाहिए जिससे आपके घुटने को डैमेज होने से काफ़ी हद तक बचाया जा सके और आपके घुटने को लगभग फिर से हेल्दी बनाया जा सके, तो उन प्रिकॉशन का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप वहां से देख सकते हैं। प्रिकॉशन प्रॉपर रूप से आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फ्रेंड, जो आपके कमेंट्स है, आप इन प्रिकॉशन और एक्सरसाइज को अगर 10 डेज कर लेते हैं वहीं आपको जवाब मिल जाएंगे, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहे थे, और मुझे रिजल्ट इस तरह से मिलेंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।